बसमिल वरम्हबरक स्टूडेंट्स आई एम सद फिरदौस वेलकम टू आई सी आई टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर साउंड इन फिज़िक्स जो आपका चैप्टर साउंड है फिज़िक्स में उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे दैट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ़ ह्यूमन ईयर ह्यूमन ईयर जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो फंक्शन कैसे करता है एक्चुअली दिस टॉपिक इज़ द मिक्सचर ऑफ बायोलॉजी एंड फिज़िक्स जो साउंड है ये फिजिक्स का पार्ट है और जो ह्यूमन ईयर है ये बायोलॉजी का पार्ट है ठीक है तो ये मिक्सचर है बायोलॉजी और फिजिक्स का तो स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ईयर ह्यूमन ईयर जो है उसको हम तीन पार्ट्स में पढ़ते हैं उसके तीन पार्ट से आउटर ईयर मिडल ईयर एंड इनर ईयर तीन पार्ट्स में पढ़ते हैं आउटर ईयर मिडल ईयर एंड इनर ईयर यहां पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो स्ट्रक्चर बना दिया है मैंने ठीक है तो ये जो पार्ट है हमारा ये वाला पार्ट यहां से लेकर यहां तक दिस इज आउटर ईयर और ये जो यहां से लेकर यहां तक वाला पार्ट है दिस इज इनर ईयर और जो बाकी लास्ट वाला बच गया दिस इज सॉरी दिस इज मिडल ईयर एंड जो लास्ट वाला है दिस इज इनर ईयर तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हो हम आउटर ईयर से स्टार्ट करते हैं आउटर ईयर का जो पहला पार्ट है उसे ऑरक्कल बोलते हैं ऑरेकल या आप पिन्ना भी बोल सकते हो जो ये बाहर वाला होता है जो आप मुझे देख सकते हो यहाँ बोन्स का बना होता है, fibrous cartilage का बना होता होता है है फाइब्रस बोन्स का का ये इसे हम आउटर ईयर पहला पार्ट है जिसे पिन्ना कहते हैं ठीक है या याकल भी आप कह सकते हो इसके बाद एक छोटी सी कैनल जाती है अंदर की ओर छोटा सा एक रास्ता अंदर की ओर जाता है इसको हम बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल इसका नाम क्या है ऑडिटरी कैनाल या एयर कैनाल और लास्ट पे एक मेमब्रेन होता है जिसको हम टेम्पेनिक मेमब्रेन या ड्रम बोलते हैं ठीक है इसके लिए मैंने थोड़ा सा एक वो न्यूमोनिक बनाया है आप इसको बोल सकते हो पेट आउटर ईयर पेट आउटर ईयर पेट पिन्ना पी स्टैंड फॉर पिन्ना ई स्टैंड फॉर ईयर केनल एंड टी फॉर टेम्पेनिक मेमब्रेन पेट आउटर ईयर ठीक है पिन्ना ईयर केनल एंड टेम्पेनिक मेम्रेन दूसरा नाम क्या है ऑरिकल ऑडिटरी कैनाल या ईयर ड्रम दिस इज द आउटर ईयर इसके बाद चलते हैं इनर ईयर पे तो इनर ईयर में जो ऑसिकल्स होती है ऑसिकल्स आर द टाइनी बोन्स छोटी छोटी हड्डियां प्रेजेंट होती है ईयर में इनफैक्ट आर द जो सबसे छोटी बोन्स होती है ह्यूमन बॉडी की ठीक है इन्हें ऑसिकल्स कहते हैं ठीक है ये तीन बोन्स होती है इसके लिए भी एक न्यूमेनिक है दैट इज मिस मिडल ईयर बोल सकते हो मिस मिडल ईयर मिस एम स्टैंड मेलस आई इनकेडल इनकस एंड स्टेप ये जो मेलस है आपका आप देख सकते हो ये वाला जो है ये मेलस जो है ये मेलस थोड़ा हैमर शेपड है अगर आप देखोगे इसकी यहां पे हमें हैंडल लग रही है पीछे से ठीक है और आगे ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर बड़ा हो रहा है ठीक है तो ये हैमर टाइप का है ठीक है इसलिए इसका दूसरा नाम भी हम रखेंगे हैमर हम इसको हैमर भी बुला सकते हैं हैमर शेप है इसकी तो हैमर ठीक है दूसरा क्या है ये जो इनकस है ये एनिमल शेप का होता है आपने एनिमल देखा है कुछ इस प्रकार का होता है ठीक है तो उसी शेप का है ये इनकस तो इसे एनिमल बोलेंगे और ये जो लास्ट पे है ये स्टेपस स्टेपस का कुछ ऐसा शेप होता है उसी शेप का है ठीक है वो हैंडल जैसा तो इसको स्टेप्स बोलेंगे इसके लिए भी एक न्यूमेनिक हैज हैज याद रखोगे, हैज तो याद सबको रहेगा हैज हैमर एनअल स्टाइर ठीक है मिडिल ईयर तो पहला क्या है पेट आउटर ईयर दैट इज पिन्ना ईयर कैनाल एंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन दूसरा जो है इसे क्या बोलते हैं मिस मिडल ईयर मिस, इनकस, स्टेपस, या इसमें और एक पार्ट होता है, ट्यूब ये हमारे आ, नोज तक जाता है ये वाला ट्यूब ठीक है इसके बाद स्टार्ट होता है ओवल विंडो और यहां पे और एक पार्ट है दैट इज ओवल विंडो ठीक है दिस इज दंडो ये जो रेड कलर से मैंने यहां पे मार्क किया है दिस इज ओवल विंडो ठीक इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा

ये में प्रेजेंट होते हैं और कॉकलिया के साथ अटैच होती है हमारी ऑडिटरी नर्व ठीक है जो सेंसरी नर्व होती है जो सेंस करते हैं साउंड को और ब्रेन तक पहुंचाते हैं एक्चुअली सुनने का काम तो ब्रेन का ही है ठीक है ना तो ये यहां पे ऑडिटरी नर्व या सेंसरी नर्व भी आप कह सकते हो सो दिस वॉज अ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर आपने देखा तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया इसको पहले आउटर ईयर फिर इनर ईयर फिर फिर मिडल ईयर फिर इनर ईयर ठीक है और आउटर ईयर में कौन कौन से पार्ट थे पिन्ना ऑडिटरी कैनाल और एंड मेम्ब्रेन यहां बोल सकते हैं ऑरिकल एयर कैनल एंड ईयर ड्रम इसके बाद इनर ईयर था मिस मिडिल सॉरी मिस मिडिल ईयर था मेलेस इनका स्टेपस हैज मिडिल मिडिल ईयर हैमर और ईयर के साथ ही ओवल विंडो है और यूटाइकिन ट्यूब होता है और इसके बाद हमारा जो इनर ईयर है उसमें होता है और होते है। और होते हैं साथ में ऑडिटेरी कैनल ऑडिटरी नर्व होती है या सेंसरी नर्व भी जिसे कहेंगे सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर अब हम चलते हैं फंक्शन की ओर कि फंक्शन कैसे करता है यू नो दैट जो साउंड होता है ये वेव्स में चलता है ठीक है ना ये वेव होती है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो वेव में चलती है ठीक है अब जैसे ही साउंड की वेव्स यहां पे आती है ठीक है यहां पे साउंड की वेव्स जैसे आती है ये जो आपका पिन्ना होता है ना पिन्ना पिन्ना क्या करता है साउंड वेव्स प्रोड्यूस ये प्रोड्यूसड वाइब्रेशन जो साउंड वेव्स होती है ना वो वाइब्रेशन करती है आपको पता है साउंड वेव्स क्या होती है लॉन्गिट्यूडल ये मैकेनिकल वेव्स होती है जब साउंड वेव प्रोड्यूस होती है ना एक्चुअली में जो मीडियम होता है मीडियम के पार्टिकल्स में वाइब्रेशन होती है उस वाइब्रेशन से जो वाइब्रेशन होती है फिर इसके साथ साथ में पार्टिकल्स में ये आगे आगे वाइब्रेशन चलती है ठीक है जिसे हम साउंड कहते हैं और ये साउंड जब आपके कान तक पहुंचता है जब पिन्ना तक पहुंचता है तो पिन्ना क्या करता है ऑरिकल हम बोलते कलेक्ट एंड कॉन्सेंट्रेट वेव सेंड टू जो ऑरिकल है, ये, ये है, है, करके, करके है किसके थ्रू ये एयर कैनाल के थ्रू ये जो आपका यहां पे एयर कैनाल है यहां से वेव्स को ये सेंड कर देता है एयर कैनाल में ठीक है इसके बाद ये हो गया ये हो गया इसके बाद टिम्पेनिक मेम्रेन वाइब्रेट जब वेव्स का प्रेशर जो है वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे पड़ता है दैट इज योर एयर ड्रम पे पड़ता है तो ये भी वाइब्रेट करता है इसकी वाइब्रेशन से क्या होता है देखेंगे वाइब्रेशन ट्रांसमिटेड टू तो मिडल एयर कॉजिंग ऑसिकल्स टू मूव ये जो वाइब्रेशन है अभी आउटर ईयर से आ रही थी ये अब मिडल ईयर में जा रही है जिसकी वजह से ऑसिकल्स ऑसिकल्स मैंने बोला था तीन छोटी छोटी टाइनी बोन होती है दैट इज मैलस स्टेपस ठीक है ये इस मूवमेंट की वजह से इस वाइब्रेशन की वजह से जो किस में आ गई जो दैट इज ड्रम में जो वाइब्रेशन आ गई ये अटैच होती है बिल्कुल आपके मैलस के साथ जब ये वाइब्रेट हुआ ऑब्वियसली मैलस भी वाइब्रेट हो जाएगा ठीक है उसकी वाइब्रेशन से इनकस भी वाइब्रेट हो जाएगा उसकी वाइब्रेशन से स्टेपस भी वाइब्रेट हो जाएगा ठीक है इसके बाद फुट प्लेट ऑफ स्टेप्स हिट ओवल विंडो यहां पे जो ओवल विंडो है आप देख सकते हो जो स्टेपस है स्टेपस का जो फुट है फुट प्लेट है ये अटैच है किसके साथ ओवल विंडो के साथ जब यहां से धक्का जा रहा है वाइब्रेशन जा रही है ठीक है तो ये मूवमेंट अब ये जो स्टेपस है ये किसको हिट करेगा ऑब्वियसली अटैच है किसके साथ ओवल विंडो के साथ जो स्टेपस है इसका फुट किसको वाइब्रेट करेगा किसको हिट करेगा ओवल विंडो को ठीक इसके बाद फ्लूड इन कॉक्लिया मूव फ्लूड जो मैंने बोला था वो मूव करता है जो इसमें फ्लूड होता है कॉकलिया में वो मूव करता है जिसकी वजह से क्या होता है नर्व इंपल्सिस जनरेट होती है ये जो फ्लूड है इसकी वजह से क्या होता है नर्व इंपल्सिस जो ऑडिटरी नर्व के थ्रू जाने हैं कहां पे ब्रेन तक वो नर्व इम्पल्सिस यहां पे जनरेट होती है एंड देन इंपल्सिस आर ट्रांसमिटेड टू ऑडिटरी ऑडिटरी कैनाल इसके बाद ये impulses किस में जाती है यहां तो हम बोलेंगे सेंसरी नर्व्स में यहां बोलेंगे ऑडिटरी नर्व्स uh, में सॉरी सेंसरी नर्व्स या ऑडिटरी नर्व्स ठीक है यहां पे नर्व्स ठीक है सो सेंसरी नर्व्स या ऑडिटरी नर्व्स में ये वाइब्रेशन ये जो वाइब्रेशन ये जो यहां से ये सेंस जो यहाँ से इम्पल्सेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस या नर्व इम्पल्स जनरेट हुई इस फ्लूड में ठीक है ये किसमें जाती है ऑडिटरी नव में और ऑडिटरी नव इसको कहाँ पे पास कर देता है आपके ब्रेन तक और ऐसे साउंड वहां से सेंस किया जाता है साउंड को सो दिस ऑज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ईयर आई होप आप सारे स्टूडेंट्स को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा इनशाला अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ अल्लाह हाफिज